बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अगर पीएम बनने का मौका मिलता है तो मैं इस सीट से लड़ सकती हूं चुनाव। बातों ही बातों में उन्होंने इशारा किया कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो वह अम्बेडकर नगर चुनाव लड़ सकती हैं। मायावती ने अम्बेडकर नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद यदि जरूरत पड़ी तो वह अम्बेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो मुझे यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की राजनीति का रास्ता अम्बेडकर नगर होकर जाता है। मायावती ने सभा स्थल पर लगाए गए अपने उस कटआउट को देखकर बहुत खुश थी जिसमें वह संसद भवन के बाहर खड़ी हैं और उस पर प्रधानमंत्री लिखा हुआ था। अम्बेडकर नगर बसपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में वोट मांगने पहुंची मायावती ने आगे कहा कि इस चुनाव में नमो नमो वालों की छुट्टी होने वाली है और जय भीम वाले आने वाले हैं। उन्होंने मीडिया को कहा कि आज आप सभी मीडिया कर्मी जो बहुजन समाज की खबरों को दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज का जन सैलाब और गठबंधन का सैलाब लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। चुनाव से पहले मायावती ने ऐलान किया था कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने हालांकि ये भी कहा था कि चुनाव बाद नतीजों व परिस्थितियों को देखते हुए यदि जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में अपने किसी भी उम्मीदवार की सीट से वह चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि मायावती बीएसपी और समाजवादी पार्टी इस बार यूपी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मायावती लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमला है। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने रायबरेली और अमेठी के अंदर मतदान में गठबंधन कार्यकर्ताओं से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले।